हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लेकर आए हैं इकाई 8 वर्ग समीकरण, कक्षा 8 की बुक है ये, जिसमें आपको कराएंगे आज एक्सरसाइज जो है आपकी 8A। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और आपके सारे जितने प्रश्न हैं उसको हम कराने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपका कोई भी चिंता या परेशानी ना रह जाए इस वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 8A। क्या कह रहा है 8A में? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। देखिए, पहले इसको तो आपको हल करना है, उसके बाद उत्तर की जांच भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट करने के बाद अब आप इसका हल देखिए कैसे करना है। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स वर्ग में दिया गया है। इधर कितना लिखा है, 49 लिखा है माइनस में। तो जो इस माइनस को क्या करना है, आपको जीरो की इधर भेज देना है। ठीक है, सबसे पहले इसको करना है कैसे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर कितना भेज देना है, 49। ठीक है, तो जैसे ही आप इधर ये माइनस में था, जैसे ही इधर जीरो में आया कि इसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और आपने जैसे पिछले एग्जाम्पल लगाए होंगे उदाहरण, तो उसमें क्या दिया गया है कि क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट जानते हैं कि नहीं जानते आप? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा कि पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो आप इसको पक्षांतर बोल सकते हैं। तो जैसे आप इसका पक्षांतर करेंगे तो देखिए एक्स इधर रहेगा और इसमें आ जाएगा रूट में 49। तो आप देखिए 49 के ऐसे फैक्टर निकालना है इसके, देखिए यानी कि लासा निकालना है 49 का, 49 का 7 × 49, 7 × 7। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 7 × 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या लेते हैं, देखिए जोड़ा जब बन जाता है हमारा तो जोड़े में से एक ले लेते हैं तो ये इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट के तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और ये यहाँ एक्स तो लिखा ही था, तो आपको क्या पता चल गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू पता चल गई तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको जांच कैसे करना है, तो यहाँ आप डालेंगे जांच। जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच करने के लिए जो आपको एक्स की वैल्यू निकली है उसको यहाँ रख दीजिए, यदि जीरो आ जाए इसके बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, रखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 49 लिख दीजिए, बराबर किसके है, जीरो के। ठीक है, इधर जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस में 49 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो है कि नहीं। अभी देखिए जीरो आ गया है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये उत्तर सही है। ठीक है, इसी तरह आपको जांच करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि 16 एक्स वर्ग यानी कि एक्स की स्क्वायर दिया है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 9 दिया गया है। ठीक है, इसके बराबर कितना है, जीरो है। तो इसके 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 आंसर कैसे निकालेंगे, उत्तर कैसे निकालना है इसको देखिए, उसी तरह इसको भी कर लेना है। 16 एक्स स्क्वायर बराबर किसको कर देना है, 9 को इधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 9। होगा कि नहीं होगा प्लस में 9? और देखिए जैसे आप इसका वर्ग निकालेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, जो आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो ये 16 दिख रहा है ना आपको, इस 16 को भी इसके नीचे भेज देना है, इसको अकेले रखना है। ठीक है, एक्स को जैसे एक्स अकेला हो जाएगा तो 9 बटे कितने आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर हटाना है ना, वर्ग हटाना है, एक्स का मान सिर्फ निकालना है आपको, तो एक्स का मान करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ रूट लगा दीजिए, उसी तरह पक्षांतर कर लीजिए, 9 बटे में 16 लिख दीजिए। ठीक है, और इसको भी इसके क्या कहते हैं, गुणनखंड कैसे निकालेंगे आप, फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, देखिए गुणनखंड जैसे निकालना है आपको, 3 × 3 इसका गुणनखंड आएगा कि नहीं 9 का, और इसका कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 3 × 9 वही चीज़ लिखा है कि नहीं हमने लिखा है, और इसको ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, हमारा जोड़े में से एक मिल रहा है कि नहीं, जोड़ा बन रहा है ना हमारा, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक ले लेते हैं, दो में से एक ले लीजिए, तो इसके रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसमें भी जोड़ा मिल रहा है और इसमें भी जोड़ा मिल रहा है, 3/4 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो एक्स का मान जांच करने के लिए क्या करना है, एक्स का मान यहाँ रख देना है। ठीक है, तो जैसे रखेंगे 16, एक्स का मान कितना है हमारा, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए
माइनस में 9 लिख दीजिए उसी तरह, ठीक है। जैसे इसको करेंगे तो 16 गुड़े में 3 त्रुक 9 बटे में 16, 16 से 16 हमारा कट जाएगा, यहाँ माइनस का 9 लिखा ही है, 9 से 9 हमारा कट जाएगा, कितना जाएगा 0, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारे क्या हैं 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या उत्तर हमारा सही है, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका कि ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी लिख लीजिए, बराबर लगा दीजिए 0 के, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो माइनस की इधर लिखा हुआ है इसको इधर भेज देते हैं, सब में इसी तरह करते हैं, और एक्स को हम अकेले रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो इधर कितना है प्लस में आ जाएगा बी, ठीक है। इतना तो आपको पता ही हो गया होगा दो क्वेश्चन करने के बाद। अभी देखिए एक्स को अकेले करना है ना, तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी अपान में ए आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए, अब ये बी हमारा ए है, यहाँ क्या दिया है, जहाँ ए और बी धन पूर्णांक हैं, ठीक है। तो इसके आगे जैसे ही आप इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हटाना चाहेंगे तो इसमें रूट में आ जाएगा, पक्षांतर होगा, तो पक्षांतर को पता नहीं क्या बोलते हैं रूट में, हम तो इंग्लिश से रूट ही जानते हैं, तो आपको रूट ही बताएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा हमारा बी अपान में ए आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हमारा हट जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अभी सब में आपको जांच कराने की तो है नहीं आवश्यक, ठीक है। तो आप जांच अपने मन से ही कर लेंगे। जैसे क्या करना है आपको, जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है उसको आपको यहाँ रख देना है, ठीक है, एक्स की जगह में। जैसे इसको ही आपको बता दे रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी बराबर कितना है 0, आपको 0 ही लाना है एक्स की वैल्यू रख के। एक्स का जैसे मान रखेंगे, यहाँ हमारा ए कितना है, रूट में बी अपान में ए का स्क्वायर है माइनस में बी। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट हमारा ये कट जाएगा, इसमें आ जाएगा बी अपान में ए हो जाएगा, तो ए इंटू में बी अपान में ए हो जाएगा, ए गुड़े ये हमारा क्या होता है, गुड़ा का चिन्ह होता है जो पॉइंट लगा रहता है, माइनस में बी हो जाएगा, ठीक है। और ए से ए तो हमारा कट ही रहा, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा बी माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, और इधर भी देखिए हमारा कितना है 0 ही है, इसका मतलब क्या है, दायां और बायां पक्ष दोनों हमारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, उत्तर हमारा सही है, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 4/9 एक्स की पावर 2 है, यानी कि एक्स का वर्ग है एक बराबर कितना है 1 के, ठीक है, इतना 1 के बराबर है। अभी इसमें भी आपको एक्स के अकेले करना है, तो जैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे, एक्स की पावर 2 रहने दीजिए उसी तरह, बराबर कितना हो जाएगा, इस 9 को क्या करना है आपको, इधर भेज देना है, जब भी इधर भेजेंगे आपका तो इसमें हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 1 गुणे में हो जाएगा 9, 9 एक कम 9 कितना हो जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अभी देखिए एक्स को अकेले करना है, तो एक्स को अकेले रहने दीजिए बेचारे को, कोई साथी नहीं है इसका, 9 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो एक्स यहाँ से 4 हटेगा तो ये इस 9 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह एकदम सारे क्वेश्चन करते चले आना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रखना है बस। तो एक्स की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 9/4 हमारा लिखा ही है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक्स चाहिए, तो जैसे इसको हटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको क्या लिखते हैं, 3/3 अपान में 2/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये एक्स के बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आपको, क्योंकि पेयर में से हम एक ले लेते हैं जोड़े में से, तो हमारा रूट से ही हमारा हट जाता है, यही इसका रूल है और इसका नियम है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई है, अब इसकी जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे, जो आपको एक्स दिख रहा है यहाँ इसकी वैल्यू रख देना है, यानी कि मान रख देना है। जैसे आप इसका मान रखेंगे यहाँ 4/9 और गुणे में कितना हो जाएगा 3/2 का वर्ग बराबर 1, 1 के बराबर आना चाहिए ये, है ना, और आएगा भी, देखिए कैसे आएगा, 4/9 गुणे में इसके वर्ग करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 9, और 4/2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। और देखिए इससे इससे गुणे हमारे ऐसे ऐसे कट जाता है, कटता है नहीं, सामने सामने से नहीं कटता कभी भी, हमको क्या करना है,
ऊपर नीचे वाले को काटना है, नीचे से ऊपर वाले को काटना है, सामने सामने से कभी गुणा नहीं कटता है, ठीक है। गुणे में चार से चार कट जाएगा, नौ से नौ कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, और इधर भी कितना है एक है। इसका मतलब क्या, दाया और बायां पक्ष हमारे दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों उत्तर हमारे ये सही हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। जब भी हमारा रूट हटता है स्क्वायर से तो हमारे प्लस माइनस में आते ज़रूर हैं। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा आपका ख़त्म यहाँ से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है देखिए कि चौंसठ पी का वर्ग दिया है बराबर कितने की दिया है, पच्चीस की दिया है, ठीक है। जैसे आप इसको करना चाहेंगे, देखिए पी को यहाँ आपको अकेले जाना है क्योंकि पी का ही मान निकालना है, तो जैसे ही आपका पी स्क्वायर रखेंगे इधर कितना आ जाएगा, पच्चीस, और जो ये चौंसठ दिया गया है ये इसके नीचे आ जाएगा, बेचारा इसके नीचे कोई नहीं था, इसके नीचे हम भेज दिए इसको, ये आ गया नीचे चौंसठ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, खाली पी चाहिए, पी के वर्ग नहीं चाहिए, ठीक है। पी का ही मान निकालना होता है हमारा, तो क्या करेंगे, इधर हमारा रूट आ जाएगा, पच्चीस बटे में चौंसठ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, पच्चीस के गुणनखंड क्या होते हैं, पाँच गुणे में पाँच होता है, पचास पच्चीस, और चौंसठ क्या होते हैं, आठ गुणे में आठ, अठहटी चौंसठ, इसको भी ऐसे लगा लीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका भी जोड़ा मिल रहा है, इसका भी जोड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, एक एक हमारे इसमें से बाहर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं बाहर, तो कितना हो जाएगा, पी की पी का मान कितने निकल गए, पाँच बटे में आठ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पी की पी का मान, और इसकी जांच करना है तो आपको क्या करना है, पी का मान यहाँ रख देना है, वही आ जाएगा उत्तर में, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ डालेंगे जाँच, चौंसठ गुणे में पाँच बटे में आठ का वर्ग कर दीजिए बराबर किसके, पच्चीस के, पच्चीस के बराबर आना चाहिए आपका, और आएगा भी, देखिए कैसे आएगा। जैसे इसको लिखेंगे चौंसठ गुणे में पाँच का वर्ग करेंगे तो पच्चीस आ जाएगा, और आठ का वर्ग करेंगे तो चौंसठ आ जाएगा बराबर किसके है, पच्चीस के, पच्चीस से पच्चीस हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, चौंसठ से चौंसठ हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, एक गुणे में पच्चीस बराबर किसके हो जाएगा, पच्चीस के, इधर कितना है हमारा, पच्चीस है, इसका मतलब क्या, दाया और बाया पक्ष हमारे दोनों क्या हैं बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर छठवा। प्रश्न नंबर छठवा देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि पाँच वाई स्क्वायर बराबर कितना है, बीस, यानी पाँच वाई वर्ग दिया गया है और इधर कितना है, बीस दिया गया है। देखिए आपको सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है पाँच, ये हमारा कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, बीस कट रहा है, तो क्या करना है, भाग दे देना है, भाग किससे देना है आपको, पाँच से दे देना है, इधर भी देना है और इधर भी दे देना है, ठीक है। तो किधर कितना, पाँच बटे में पाँच वाई की पावर टू, यानी कि वाई का वर्ग हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, बीस बटे में पाँच, इधर भी आ जाएगा, दोनों तरफ करेंगे ना बराबर काम। देखिए पाँच से हमारा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, वाई की पावर टू, यानी कि वाई का वर्ग हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, पाँच चौको बीस, ये हो जाएगा। अभी देखिए आपको सिर्फ वाई चाहिए, वाई का वर्ग नहीं चाहिए, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लगा देना है, वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा चार, और इसके देखिए गुणनखंड कितने हो जाएंगे, चार के दो गुणे में दो इसके गुणनखंड होते हैं, देखिए जोड़े में से एक लेना है आपको तभी तो ये गुणनखंड हटेगा। देखिए जोड़े में से एक मिल रहा है, दो तो ले लीजिए, दो वाई के बराबर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और इसकी जांच कैसे करेंगे वही बता देते हैं आपको, जहाँ वाई दिख रहा है आपको वहाँ इसकी इसका मान रख देना है, ठीक है। तो कितना है, फाइव, यानी कि पाँच वाई का वर्ग बराबर कितना है, बीस के, तो पाँच गुणे में यहाँ कितना हो जाएगा, दो का वर्ग बराबर बीस के आ जाए, बीस का आना चाहिए, तो पाँच गुणे में दो का वर्ग कितना होता है, चार, इधर बीस, पंचों को बीस बराबर कितना हो जाएगा, बीस के, यही क्या हो जाएगा आपका जांच हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए करते हैं कौन सा प्रश्न नंबर सातवा। प्रश्न नंबर सातवा देखिए क्या कह रहा है आपसे, सात और सात ही इसमें भी दिया है, सात एक्स की पावर टू बराबर कितना है, आठ के है, ठीक है। अब देखिए सब में भाई को ऐसे प्रश्न करना है एकदम, एक्स को आपको क्या करना है, अकेले करना है। हम इस तरह आपको बता रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको देखना ना पड़े,
ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ताकि पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये एक्स की पावर टू यानी कि एक्स का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 8/7 आ जाएगा, जो ये 7 लिखा हुआ है इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे आप एक्स को चाहेंगे तो हमारा इसको तो हटाना पड़ेगा, इसकी पावर 2 लगी है, तो जैसे आप इसकी पावर 2 को हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा रूट में, बिल्कुल आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 8/7 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको आपको गुणनखंड निकालना ही है 8 के, और 7 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते, 7 का नाम 7 एक ही होता है, 2 × 2 2 × 2 = 4 × 8 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का नाम 7, 7 गुणनखंड वही रहेगा। ठीक है, तो ये स्वयं से ही कटता है। देखिए इसमें से एक पेयर हमारा मिल रहा है, तो एक पेयर में से यानी कि एक जोड़े में से एक को ले लेना है, कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा हमारा, और रूट में कितना रह जाएगा 2/7 रह जाएगा उसी तरह रूट में, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस करके। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर, यानी कि लास्ट में यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और इसकी जांच कैसे करेंगे, जो भी आपका एक्स का मान निकला हुआ है उसी की वैल्यू यहाँ रख देना है, मान रख देना है आपको। ठीक है, कैसे रखेंगे इसमें भी देख लीजिए, एक्स बार सॉरी 7x² = कितना है 8 के, और 8 ही आना चाहिए आपका, तो इसको ले लेते हैं। क्या करते हैं, 7 × एक्स का मान कितना है 2 √2/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, और देखिए सॉरी ये हमारा स्क्वायर था, तो 7 × इसका स्क्वायर कितना होता है बताइए, जैसे आप इसका देखिए एक्स का स्क्वायर बराबर कितना था 8/7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 8/7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा साथ, इसका करेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और रूट का 2 करेंगे तो रूट का 2 ही रहेगा यहाँ। ठीक, तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 = कितना आ जाएगा 8 के, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा।